एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र हम भी सब ठीक हैं। और क्या नाम है, आज हम मैं एक न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलें, लेट्स गो। अभी मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इट्स सो वेरी डिलीशियस। ये मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाई थी और आज मैं बना रही हूँ, सबको बहुत पसंद आई थी। बस इसमें ज़रा मैंने एक्चुअली ऐड कर दिए हैं पोटैटोज़, क्योंकि मेरे बच्चों को पोटैटोज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें पोटैटोज़ भी ऐड कर दिए। अदरवाइज़ आप मटर खाली ही के साथ करें तो वो बिल्कुल ही आपको कीमा मटर लगेगा और बहुत अच्छी रेसिपी है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 अभी जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अरे, और चलें, लेट्स गो। अभी हम देखते हैं अपनी न्यू रेसिपी की जानिब जाते हैं। कोई नहीं बनाया था जी गाइस, ये आपने ऐसा, ये बहुत अच्छी आपको लगेगी रेसिपी। ये ऐसा जैसे आप कीमा मटर खा रहे हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी टेस्टी होती है। जैसे हम लगिया का मसाला बनाते हैं वैसे ही ये बनेगा। इसमें और डाल के मैंने खड़े मसाले डाले हैं और अब इसमें वो लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर टमाटर हरी मिर्ची वगैरह डाली हैं, तो वो डाल के मैं इसको अच्छी तरह भूनना है। इसमें आप स्पाइसेस डाल दें, आप अपने टेस्ट के लिए खा सकते, आप कितना पसंद करते हैं नमक मिर्च। और ये झटपट में बन जाती है रेसिपी। भून जाएगा फिर हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। तो और फिर उसके बाद में आपको इसका सही इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, ठीक है? और इसके लिए आप पूरी वीडियो वॉच करें जी व्यूअर्स। ये देखें, मैंने इसको टमाटर और मटर और आलू, ताकि वो अच्छी तरह गल जाए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको स्टीम टाइप कर दिया था हल्की आँच पर, ताकि उसमें गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाएगा। देखिए अब इतना सा पानी रह गया। अब हम इसमें अंडे डालेंगे, ठीक है? इसके अंदर अंडे डाल देंगे, हमने दो से तीन अलग अंडे डाल दें आप। इसको अंडे डाल के इसको अच्छी तरह हमें, फिर हम हल्की आंच पर इसको इसको ऐसे मसल दें। आंच इसकी हल्की करके इसको कवर कर दें, ताकि वो अंडे की वो चमसी बन जाए ना, चमसी बन जाएगी तो वो फिर उसके वो ये मसाला टाइप बन जाएगा, ग्रेवी टाइप हो जाएगा। और फिर हम मैं इसकी आपकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखिए लुक देखिए इसकी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। इसमें आप धनिया पाउडर डालें, इसमें आप गरम मसाला वगैरह ऐड कर मैंने डाल दिया है, और इसको रोटी के साथ पराठे के साथ खाएं, इतना डिलीशियस है, इतना मज़े का है।
बहुत मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये मैं आलू की मटर खा रही हूँ या फिर बहुत मजे का लगता है मुझे तो वो कहे आप प्लीज आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक दफा ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम कीमा मटर खा रहे हैं, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको मैं अब रोटियां बना लूँ, रोटियां बना के फिर खाएंगे, फिर मैं खा के आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है वो। जी गाइज मैं हंडिया बना रही हूँ, बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, वो साथ साथ रोटी खा रहे हैं, इनके पापा ने खा ली है और बच्चे खा रहे हैं, और उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, कह रहे मम्मा इट्स सो डिलीशियस, कितने मज़े की बनी है आपने ये। मैंने नई एक दफ़ा मैंने पहले बनाई थी और एक दफ़ा मैं अब बनाई है तो बहुत मज़े की बनी थी। मैंने एक और रेसिपी ट्राई की थी मंगोचियाँ, वो भी बहुत मज़े की थी, तो वो मेरी है ना फ्रेंड्स भी कह रहे थे बहुत मज़े की, जिसने भी चेक की कह रहे बहुत मज़े की। वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी ना, तो वो भी मैं आपके साथ है ना रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए मेरी रोटी ज़रा ना बड़ी होती है, मुझे सभी कहते हैं तुम्हारी रोटियाँ इतनी बड़ी होती हैं, तो अभी मैं ये देखिए मैं मेरा सेकने का स्टाइल भी आप देखिएगा रोटी कि वो इतनी अच्छी सीक जाती है, ट्रेंड हो गई मैं अब रोटी में बनाने में। पहले नहीं तो पहले मुझे इतना गुस्सा आता था रोटी बनाने में, मैं कभी नहीं रोटी बनाई थी शादी के बाद फर्स्ट टाइम रोटी बनाई, तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता था कि मैं रोटी नहीं बनाने पर मैं जो मर्जी काम के ही मैं कर जाती, तो रोटी बनाने में मुझे बहुत कोफ्ता होती थी, अब उतनी बनानी पड़ती है और अल्लाह का शुक्र बड़ी अच्छी लेकिन गोल रोटी बनी है मेरी और ज़रा नहीं फटी या कुछ भी नहीं होता। ये देखिए ये सेकने वाला है, इसके साथ मैं सेक के दिखाती हूँ, फ्लेम फुल कर ली, इतने मजे की ये सिक जाती है और इतनी अच्छी बन जाती है रोटी। तो आप गाइस ये जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरा आलू मटर कीमा बेसिकली इसमें एग डाले हैं, मगर ये ऐसे टेस्ट आता है कि जैसे आलू मटर कीमा बनाए हुए हैं बहुत मज़े के, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मेरा रोटी मेरी रोटी भी आपको कैसी लगी है, देखिए कितनी गोल बनाई है। तो गाइस मैं अब आपको ना खा के बताती हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी गाइस मैंने ये मैं खाने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हसनैन ने भी खानी रोटी, ऑसम बहुत मज़े का बना है। ये देखे मेरा बेटा खा रहा है, मेरी बेटी खा के हट गई है। हसनैन मम्मा आपकी जेवियाँ भी बना रही हैं, जेवियाँ खानी मेरे बेटे ने। तो गाइस चलिए गाइस मैं खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ।